कमी है जिसके हमारे प्रभारी जी की, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आपके आरएसएस के लोग हैं बीजेपी के अंदर, बूथ पे अपना बैठते हैं, उनको कोई ये थोड़ी ना उनको कोई रोकड़ देता है बैठने के लिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आ जाइए। बहुत लोगों ने कहा है कि आपको चले जाना चाहिए, और आप कहा भी है। नहीं, मुझे ऐसा तो कोई लगता नहीं है कि ना किसी में इतनी हिम्मत है जो मुझे रोक सके। कहते सर्वे भी हो रहा है, और सर्वे के मुताबिक अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हालात तो वही होंगे जो पिछली बार लोग जो हमारे असेंबली में हुए। कांग्रेस केवल 3 लोगों की पार्टी नहीं है, राम मंदिर का असर तो है, ये मैंने कहता असर नहीं है। एक वर्ग को जो है हम लात भी मार सकते हैं, हम ये मैंने कहता, लेकिन सीटें निकलेंगी इस बार पे, पिछली बार हमारा हाल नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से अगर टिकट ठीक दे दिए, ये नहीं पता किसी को टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजधर्म। और आज हमारे साथ हैं हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के खास कार्यक्रम। थैंक यू। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है जी। आपके कुछ बयान सामने आए कि आप इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और इसके अलावा पैनल में भी नाम भेजने को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि मैं 2019 का चुनाव लड़ा था, और उस वक्त जो है बालकोट अटैक की वजह से एक हफ्ता पहले जो है चुनावी मौसम में कुछ करवट ली, और मोदी जी ने जो पुलवामा अटैक के बाद जो बालकोट में अटैक किया, उसका जो है असर हमारे इलाके में नज़र आया, क्योंकि हमारा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत हैं, सर्विंग सैनिक बहुत हैं, तो जो मेरी जो क्षेत्र था हमारा, 6 हल्के थे हमारे इंक्लूडिंग मेरा जो रेवाड़ी का क्षेत्र था, वहाँ मुझे हार का मुँह देखना पड़ा काफ़ी। और मैंने जो है ये बादशाहपुर और गुड़गांव में 2019 के बाद मैंने फिर सर्वे भी करवाया था अभी, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव थे, तो हर वार्ड वाइज हमने अपने कौन इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, जिसकी रिपोर्ट शायद 2-3 दिन में मुझे मिलने वाली है, तो मैं पूरी तरीके से तैयार था। करीबन 400 गांव मैंने कर भी लिए थे, लेकिन जो हमारे जो प्रभारी जी हैं उनने ये निर्णय लिया कि भाई एप्लीकेशन ली जाए, तो उसमें ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी जो ना तो कभी यहाँ ना तो इस इलाके रहने वाले हैं, दूसरी बात ना कभी वो असेंबली का चुनाव लड़े हैं, अगर असेंबली का चुनाव लड़े हैं तो जमानत जब्त हुई है। तो जब मैंने ऐसे लोगों को एप्लीकेशन देते हुए देखा, तो मैंने लगा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर जो है एक मैं इस सेल्फ रिस्पेक्ट को अब सबसे ज़्यादा ऊपर मानता हूँ। राजनीति में आते हैं इसलिए क्योंकि राजनीति में नाम के लिए और फेम के लिए आते हैं, अगर और लेकिन आत्मसम्मान जरूरी है। मैंने तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी मुद्दे पे, चाहे कोई आज, चाहे जब चौधरी बंदीलाल जी के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में देखिए, मैंने कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने फिर जो है एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे कुछ सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इनका नाम जाना चाहिए, तो मुझे पता लगा कि मेरा नाम भी पैनल में है। अब पार्टी तो डिसाइड करेगी कि मुझे लड़ना है। क्या पार्टी ने या फिर आपके प्रभारी ने ये जानना या पूछना ठीक नहीं समझा कि जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, कम से कम उनके लिए तो हम एक ग्रेस रखें कि भी वहां से आवेदन ना लिया जाए, जैसा कि आप कह रहे थे, या फिर ये भी एक सभी के ऊपर दबाव था कि मैंडेटरी था कि नहीं, जो भी होगा जिसको भी चुनाव लड़ना वो सीनियर है जूनियर, जो कोई भेदभाव नहीं, जो बात उनने रखी हुई है, रखा था कि भी हमारे पास ये डायरेक्शंस है, तो बाकी स्टेटों में ये डायरेक्शन क्यों नहीं है, बाकी स्टेटों में? तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फिर जो सीनियर लीडरशिप है स्टेट की, कुछ लोग मिलके उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अंदर खाते कुछ ऐसी राजनीति या कुछ षड्यंत्र है? अब इसके बारे में तो या तो बाबरे जी से आप बात कीजिए, भी उन्होंने
इस प्रकार की नीति क्यों बनाई, या हमारे सीएलपी लीडर हैं उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने उनसे बातचीत की थी। मैंने कहा था या तो हुड्डा साहब से मैंने कहा था या तो कम से कम 25-50 हज़ार की फीस रखते, साथ में लाख रुपए की फीस रखते, ताकि जो ऐसे उम्मीदवार जो लड़ना ही चाहते हैं वही एप्लीकेशन लगाते हैं। तो कोई एक पैमाना तो क्राइटेरिया तो होना चाहिए था कि कोई असेंबली का चुनाव लड़ा है या फिर आपकी कोई आपने कोई सर्वे करवाया हो उसके आधार पे आप, या कहीं ना कहीं अनुभव को भी। नहीं, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि बाबरे जी ने सर्वे करवाया है या बहुत सारे ऑब्जर्वर भेजे थे, तो उन ऑब्जर्वर को भेजने की जरूरत क्या थी, उनसे राय लेनी चाहिए थी कौन चुनाव लड़ने वाले हैं कौन चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। तो मैं उनकी जो कार्य प्रणाली से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है सोच ये हो कि नहीं कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। नहीं, बदल रहा है, छोटा बड़ा क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है, ये कोई असेंबली का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें 1300 गाँव हैं, उसमें दो मेट्रोपॉलिटन जो हैं आपके MCGs हैं, एक तो MCG गुड़गांव, एक MCM है, तो और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनको आप मिल भी नहीं सकते हैं, और क्या इनमें से किसी एक आदमी ने कितने गांव का दौरा किया है वो अपना, या यही बता दें कि भाई कौन कौन से गांव में गए हैं। तो कोई तो जब इंटरव्यू लिया होगा, जब पैनल बनाया होगा, तो कुछ तो कोई पूछा होगा। प्रदेश अध्यक्ष से आपकी बात हुई इस बारे में, अपनी शिकायत आपने वहाँ? नहीं, उनसे मैंने उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई मेरी, हुड्डा साहब से बात हो गई थी। तो चर्चाएं कुछ राजनीति को लेकर हरियाणा में किस तरह से पार्टी को और बेहतर बनाया, क्योंकि पिछले चुनाव में तो एक भी सीट आई नहीं थी, और आप जैसे अगर इतने सीनियर लीडर पार्टी में है, अगर उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान तो सीधा सीधा। देखो, राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोनिया जी जो जब हमारी राष्ट्रीय चेयरमैन थी UPA की, तो आपने देखा होगा 10 साल तक हमने राज किया, तो उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसमें बेशक की वो नई थी राजनीति में आई, और उसके बावजूद भी उनकी जो आसपास जो लोग थे, चाहे अपने जॉर्ज जी थे, चाहे माधवन जी थे, चाहे आपके MM पटेल जी थे, तो उन तक बात सारी पहुंच जाती थी, और डिसीजन मेकिंग में बनाने लेने में कोई वक्त नहीं लगता था। अब कहाँ कमी देखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनकी कार्य प्रणाली के अनुरूप अगर चलते हैं ये, तो पार्टी को फायदा हो सकता है। 10 साल तक राज कराया उन्होंने, उनकी महानता है, उन्होंने मेरे को CLP लीडर बनाया, डिप्टी लीडर पहले बनाया, उसके बाद मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर मुझे अभी चेयरमैन बनाया, जब वो मतलब कि अपने पद छोड़ने से पहले मेरे को AICC का पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन बनाया। तो मैं तो एक तरीके जैसे कहते हैं ना, गद्दी से बंधे हुए हैं, तो हम सोनिया गांधी से मैं बंधा हुआ हूँ, मैं उनकी वर्किंग स्टाइल को, उनने जो स्नेह दिया, और मेरे को तो 2014 में भी रामविलास शर्मा जी ने कहा था बाजी है, तो मैं कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। इस बार कहा है किसी ने? हाँ, इस बार भी है, BJP वाले कह रहे हैं कि आ जाइए, बहुत लोगों ने कहा है कि आपको चले जाना चाहिए, और आप कहा भी है, लेकिन नहीं। यादव क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, पार्टी में रहेंगे यही, और अगर इस बार अगर चुनाव मैदान में नहीं उतारती है पार्टी, जिस तरह से आपको भी आशंका लग रही है कि कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा है, मेरे पास फिर कोई ये तो नहीं, मैं खाली बैठा रहूँगा, राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ मैं, मेरा 12 तारीख का प्रोग्राम नासिक का था वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 11 को कुछ सीट होगा वो आ जाए, 15-16 तक तो इन्होंने करना ही पड़ेगा। नेता की जो पहचान होती है वो चुनाव से ही आते हैं, अगर नेता चुनाव मैदान में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर पार्टी साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कौन लोग हैं जो इस मंशा के साथ हैं कि कैप्टन अजय यादव जो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के हरियाणा में, उनको पीछे धकेल दिया जाए? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई लगता नहीं है कि ना किसी में इतनी हिम्मत है जो मुझे रोक सके।
मैं जो है सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरे फादर जो है 1977 तक विधायक रहे, 77 और 89 के बीच में 12 साल का गैप हो गया था, लेकिन उनके नाम पे ही मैं दोबारा चुना गया था और मेरे नाम पे मेरा बेटा चुना गया। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कोई कोई मेरे को जो है राजनीतिक रूप से कोई मैं आहत हो जाऊँगा इससे, आगे चुनाव है। एक बात आपने कही थी कि सिंहासन के साथ आप बंधे हुए हैं, सोनिया गांधी जी ने हमेशा मान सम्मान आपको दिया। हरियाणा के और भी कई बड़े नेता रहे, अशोक तंवर की बात कर लें, कुलदीप बिश्नोई की बात कर लें, उनको भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि राहुल गांधी के साथ उनकी नज़दीकियाँ हैं, गांधी परिवार के साथ नज़दीकियाँ हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो जो पीछे धकेला गया उनको, एक समय ऐसा आया कि राहुल गांधी का समय मांगते रह गए, समय तक नहीं मिला उनको, क्या वो परिस्थितियाँ नहीं? ऐसा देखो, मैं फेट पे विश्वास करता हूँ। अगर मेरे यहाँ लिखा हुआ है तो कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। 2019 के बाद मैंने दफ्तर यहाँ खोला। मुझे बता दीजिए, राव इंद्रजीत का कहीं दफ्तर है? क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं? बस स्टैंड आपका टूटा पड़ा हुआ है, सिविल हॉस्पिटल आपका बना नहीं है, यूनिवर्सिटी आपकी जो है बनी नहीं है, डिफेंस यूनिवर्सिटी आपकी बनी नहीं, एम्स का आपने पत्थर रख दिया, पत्थर रखने छोड़ने बात होती है, मेट्रो का कोई काम किया? तो मैंने कर्म में विश्वास किया है। मैंने अपने रेवाड़ी में जो काम किए थे उसकी बदौलत चिरंजीव जो है, पिछली बार जब ये कह रहे थे पूरे मीडिया में 3 या 4 सीट आएगी, उसके बावजूद भी वो केवल वही जीता यहाँ से। तो जो हमारी जो 6 सीटें हैं, 3 जगह तो हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड, मेव डोमिनेटेड, वो जीते हैं, वो जीता और तो वो नहीं जीता ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जनता पे विश्वास, मेरे प्रति जो है जो अब मैंने जो स्नेह मुझे दिया है, और जिस पार्टी ने मेरे को मंत्रालय दिया, मेरे को MLA बनाया, अगर वो आज अगर उसके बुरे दिन आ गए तो मैं छोड़ के भाग जाऊँ। मेरी जो है ये बुरे दिन अच्छे दिन कैसे होंगे? अच्छे दिन तब होंगे जब पार्टी के नेता इस बात को समझ लें कि अपनी स्वार्थ की राजनीति को छोड़ दें, जो आत्मविश्वास होना चाहिए उसको, कि भाई विश्वास रखें अपनी हायर लीडरशिप के ऊपर कि पहले तो हम मिलके संगठित होकर लड़ें, और ये ना लगे लोगों को, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी हरियाणा में, हरियाणा में कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, लेकिन वो ये फिर ये भी कह रहे हैं आप लोग इकट्ठे नहीं है। वही एक सबसे बड़ा सवाल है, संगठित तो ही नहीं रहे ना आप लोग। अगर संगठित रहे हम, पिछली बार भी जो है जो चुनाव हुआ 31 सीट हमारी आई थी, जबकि 4 या 3 सीट दिखा रहे थे। कोई फॉर्मूला आपने बताया बैठा के हाईकमान को या स्टेट में नेताओं को अपनों को, भी इस फॉर्मूले से संगठित हो जाते हैं? मैंने तो बाद में अंदरूनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले दुश्मन का तो मुकाबला करने मिल गया। देखो जी, मैंने तो जहाँ तक जिन सब नेताओं से एक ही बात करी है, मैंने उनसे एक बात कही है, मुझे आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं संगठन खड़ा कर दूंगा हरियाणा में। मैंने अपना मैं आपको बता रहा हूँ, OBC का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। मैंने जिस इलाके के जो नेता है, शैलजा जी है, उसके इलाके में उनसे पूछ के पहले मैंने देखा भी हाँ काम करता है तो ठीक है, नहीं तो को हटा देता हूँ। किरण जी के एरिया में किरण जी कहने से लगाया, या वहाँ के नेता उनसे पूछा काम करता है, वहाँ भी हटाया एक दो आदमी, हमने दूसरे आदमी को लगा दिया। ऐसे ही बाकी जगह जहाँ हुड्डा साहब के जहाँ प्रभाव था, जहाँ पर अशोक अरोड़ा का प्रभाव था, जहाँ पर अम्बाला के अंदर जो भी है, जो यानी कि मैंने इस हिसाब से काम किया, और आज मेरा संगठन ब्लॉक लेवल तक है OBC का। तो कमी है जिसके हमारे प्रभारी जी की, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कौन रोक रहा है उन्हें डिसीजन लेने से? अभी तो वो उनसे पूछिए, या उन क्षमता नहीं है कहीं ना कहीं, वो विजन नहीं है। इस हद तक मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी फिर हिटिंग बिलो द बेल्ट होगा,
ये उनसे पूछी कि आखिर कौन सी बाधाएं आ रही हैं कि जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है। बीजेपी कहती है कि तो बापू बेटे की पार्टी बन के रहेगी ये कांग्रेस यहाँ पे, तो कहीं यही फैक्टर तो नहीं है? बीजेपी तो जो कहती है कहे, अब मेरे मुंह में ये शब्द मैं डालना नहीं चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि शैलजा जी को भी पूरी छूट दी है, रणदीप जी को उन्होंने पूरा टूर किया है और यात्राएं करी हैं, तो उनको भी तो ये पहले ये कह रहे थे कि भाई ये ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है बाबरिया जी, फिर बाद में कहना पड़ा ना। तो कांग्रेस को एक आदमी की पार्टी नहीं है, वो भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं भी अपने लेवल पे काम करता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। कुछ लोग बीजेपी वाले जो बात कहेंगे उसको हम अगर मुतायद करते हैं तो वो ठीक थोड़ी ना। अभी के सिनेरियो में कितना मजबूत देख रहे हैं पार्टी को, और कहां खामियां है जो अगर बेहतर हो जाए तो बड़ी चुनौती बीजेपी को दे पाएगी? देखो जी, ऐसा संगठन के लिए तो समय बचानी है, अब तो एक बात ही एक ही काम है, बस राहुल जी बुला के सबको और एक बात कह दें कि अपने अपने क्षेत्र से मेहनत करो और उसके बाद जिम्मेवारी फिक्स करो कि भाई इस क्षेत्र से आप अपने कैंडिडेट्स को जिताओ। वो तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी काफ़ी दिन यहाँ रहे थे, मिले भी थे नेताओं से, लेकिन पार्टी तो तब भी नहीं जोड़ पा। भारत जोड़ो यात्रा में इतना समय नहीं मिलता है, माइक्रो मैनेजमेंट जो है बैठ के की जाती है, कमरे में बैठ के। जैसे आपके आरएसएस के लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो जो है बूथ पे अपने बैठते हैं, उनको कोई ये थोड़ी है उनको कोई रोकड़ देता है बैठने के लिए। तो ऐसे ही पार्टी का जो सेल्फलेस तरीके से जो हमारे जो काडर के लोग उनको हम मान सम्मान अगर देते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को रोक दे। यानी कि इस बात को तो महसूस करते हैं कि वो जो मान सम्मान बीजेपी वाले आरएसएस वाले दे रहे हैं वो फॉर्मूला अगर यहाँ भी लगा दिया जाए तो। आरएसएस वालों को तो आजकल स्वार्थ हो गया ना, पैसे खूब कमा रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं उनके पास एक आरएसएस का आदमी बैठा रखा है, तो पूरा करप्शन जो है, तो अब जो है एक स्वार्थ भी जुड़ गया साथ में। डेडिकेशन तो है ही, अब स्वार्थ भी जुड़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्टी को हम सबको मिलकर एक बार संकल्प लेना है कि हमने जो है अपने नेता खड़गे जी का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का जो है वो सिर नीचा नहीं होना चाहिए, हम मेहनत करनी चाहिए, ये इस बात की ज़रूरत है। और जो लोग जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको दरकिनार करना चाहिए ना, ये ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो हालात फिर ऐसे होंगे जैसे पिछली बार आपने यहाँ से जो टिकटें दी थी, मेरे से तो एक भी टिकट जो है मेरे कहने से नहीं थी, सिर्फ एक जगह, एक तो चिरंजीव की लगा लीजिए और एक सीट जो है अपने जो इलियास जी थे उनके बारे में मेरा फ़ोन आया, उस टाइम गुलाम में आज़ाद थे कि इलियास कैसा रहेगा, मैं उसको टिकट दे दीजिए, पहले किसी और को टिकट दी थी वहाँ से, उसके अलावा मेरे से नहीं पूछा गया। तो मेरा ये कहना है कि मैं कहता हूँ मेरे से मत पूछो, सर्वे के आधार के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं, अगर वो आपको लगता है जीतने वाला आदमी है उसको टिकट दो, लेकिन आप सर्वे भी करते हैं, कहते सर्वे भी हो रहा है और सर्वे के मुताबिक अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हालात तो वही होंगे जो पिछली बार लोग जो हमारे असेंबली में हुए। आज बीजेपी की जो सीटें हैं 25 में से 20 सीट बीजेपी के खाते में, इधर 5 लोग ही तो हैं जो कांग्रेस के हैं या उनसे, बाकी कौन है? आज 40 में से 20 सीट जो है ये इलाका दे रहा है बीजेपी को, इसके ऊपर पार्टी खड़ी है। इस इलाके को अहमियत देना बेहद ज़रूरी है, इस बात को पार्टी हाईकमांड भी समझे, इस बात को हमारे प्रभारी भी समझें कि अगर ये इलाके को वो जीत लेते हैं तो सत्ता की चाबी इस इलाके के हाथ में, मतलब अगर हरियाणा के सिंहासन तक पहुंचना है तो यहीं से जाकर वो संभव। मुख्यमंत्री कोई बने इस बात का, ये मैं 2009 में तो मेरे को
मैंने खुद मना कर दिया। गुलाम नबी आजाद भी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस जो सीनियर लीडरशिप है उनको जो मान सम्मान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो वही बात कहीं ना कहीं आप नहीं, नहीं, मैं, दोहरा रहे हैं, वो मन की जो पीड़ा कहीं ना कहीं आ रही है। एक इतने बड़े दिग्गज नेता है, अगर उनसे राय मशवरा अगर पार्टी नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मैं गुलाम नबी आज़ाद जी से पूरी तरह सहमत बनी हूँ। उनको तो बहुत कुछ दिया पार्टी ने, उनको महासचिव भी रहे, राज्यसभा के 5-6 दफ़ा मेंबर रहे, और जब वो J&K में जब उनका कोई आधार नहीं था, महाराष्ट्र से उनको बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री भी उनको बनाया, तो उनको जो है ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल मैं नहीं हूँ, बहुत सारे सीनियर लीडर्स और हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस केवल 3 लोगों की पार्टी नहीं है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कम से कम जो सोशल इंजीनियरिंग है, वैश है, पंजाबी है, SC है, बैकवर्ड है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सबको, जो आपके अति पिछड़ा है, उन सबको आप एक टीम बना के अगर आप चलते हैं तो कुंजी आपके हाथ में। 3 लोग कौन है? कौन लोग? जो आपने कहा कि 3 लोगों की पार्टी नहीं है, बाकी नहीं, ये तो आप समझते हैं। जनता बोली है, वो चाहती है कि क्लैरिटी कहा जाए तो ज्यादा है, वरना इधर उधर वो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। अच्छा चलिए, बालाकोट की बात कर रहे थे, इस बार भी दोनों ने एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुओं के दिल में सीधा किया है, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा करके, उसका कैसे तोड़ निकाला? देखिए वो फेड होता है डे बाय डे, क्योंकि लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाई ये मुद्दे अब जो है ना वो हैं। राम मंदिर का असर तो है, ये मैंने कहता असर नहीं है, लेकिन जितना ये सोच रहे थे उतना असर नहीं है। क्या है कि जो चैनल्स हैं, अब हमारा TV ले लीजिए आप, NDTV एक ऐसा था जो थोड़ा बहुत था, वो भी अडानी जी ने खरीद लिया, और आज तक है आपका ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, एक सिवाय न्यूज़ 24 के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप किसी चैनल पे, वो ब्रेन वॉशिंग ऐसी चलती रहती है सारे दिन कि मोदी के अलावा कुछ कोई दूसरा नेता ही नहीं है। रवीश जी ने भी तो यूट्यूब पे अपना ब्रेन वॉशिंग कर रखी है, उधर से वो फाइट कर रहे हैं। रवीश कुमार देखो जी, अगर ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया ना होता तो हम तो साफ हो गए होते। तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा व्यापारी नहीं है जो 1-2 चैनल खरीद ले? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से व्यापारी व्यापारी तो देखो जो थे वो तो छोड़ के जा रहे हैं, उन पर ED का प्रेशर है। अभी हमारे चौहान साहब आ गए वहाँ से महाराष्ट्र से, उन पर ED का प्रेशर था, और जिसके ऊपर ED का प्रेशर पड़ता है और CBI का छापा लग जाता है, आपने देख लीजिए ना कितने नेता हैं। अब ममता बनर्जी क्यों नहीं अलायंस कर रही है वेस्ट बंगाल में, उसका कारण बता दें, 2 सीट दे रहे हैं हमें, 2 सीट तो पहले ही हमारे पास है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मतलब अंदर खाते डराया हुआ उनको भी क्या रखा है कि भाई जो है CBED इनकम टैक्स सब है हमारे पास। लालू जी को कितना, अभी भी आप बताइए जो है इतना कुछ कर दिया, उनकी किडनी चेंज होगी, अभी इनको सब्र नहीं है, अभी भी चाहते हैं उनको इस उम्र में जो है वो चाहते हैं कि उनको जेल में भेज दें। और राहुल जी जो हैं उन पर कितने केस बनाए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है डायरेक्शन सिर्फ राहुल गांधी जी को देती है, लेकिन जो मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे लोगों के बारे में कहते हैं, ऐसे ऐसे करना, आँख टिमकाना, और ये कहना कि भाई जो सोनिया जी के बारे में जो टिप्पणी की थी उन्होंने, जो राहुल जी के बारे में टिप्पणी वो जो करते रहते हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आता कुछ। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं उनको इन्होंने दबा रखा है, सबने मोदी की पट्टी बांधी हुई है। इलेक्शन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन कमीशन है, वुमेन कमीशन को तो कोई लगता है कि देश में भाई महिलाएं राम राज्य है, क्या पहलवानों के साथ हुआ, ये तो कह ही रहे हैं कि राम राज्य तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को अस्पताल नहीं चाहिए, लोगों को स्कूल नहीं चाहिए, लोगों को कॉलेज नहीं चाहिए, राम मंदिर के नाम से और भावनाओं से खेलने
ये आदत पड़ गई है, जो मीडिया है वो लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह करता है कि वो उन मुद्दों को उठाता है। इस स्ट्रैटेजी में क्यों कांग्रेस पीछे रह रही है? उन देखिए सेंटीमेंट्स तो कहीं ना कहीं समझने होंगे। सेकुलरिज्म है ना, हम ये कह दें, अब वो कल आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पीछे से लात मार रहा है जो नमाज पढ़ रहा है। अरे जो पूजा कर रहा है उसको अधिकार है पूजा करने का, तो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो जो है एक वर्ग को जो है हम लात भी मार सकते हैं और जो है उसको अब जैसे चाहे मुद्दा मथुरा का ले लीजिए आप, काशी का ले लीजिए, ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि एक स्पेशल वर्ग को, ठीक है आप कीजिए, लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है ना। लेकिन यही तो बात बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं की भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। नहीं नहीं, शिला जो भूमि पूजन किसने किया था? राम मंदिर का राजीव जी ने किया था। अब प्राण प्रतिष्ठा में जाने से क्यों मना कर रही है? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हम उनके कहने से जाएंगे क्या? शंकराचार्य जो चारों नहीं गए, क्या वो हिंदू समाज के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए लोग नहीं है क्या? जब उन्होंने मना कर दिया कि भी मंदिर पूरा नहीं है, ध्वज आज भी नहीं लग रहा, आपको देखा होगा मंदिर पे जो ध्वज लगता है, अगर ध्वज नहीं लगा हो मंदिर की जो होती आपकी जिस पे ध्वज लगता है, ध्वजा जो होती है उस पे ध्वज नहीं लगा हुआ, फिर भी आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी आपने, जब तक शरीर पूरा ना हो, पूरा एक्सप्लेन किया है शंकराचार्य ने, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। ये तो धर्म के नाम के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, और ईडी सीबीआई प्राइवेटाइजेशन, जो जाति जनगणना नहीं करवाएंगे उससे गरीब कहते, मैं गरीब और अमीर को मेरे दो वर्ग हैं, आपको पता कैसे लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर है? जब तक आप डाटा नहीं होगा आपके पास, जाति जनगणना जो है सिटी स्कैन है समाज का, इसमें अपर कास्ट के लोगों का फायदा नुकसान नहीं है, जो 10% रिजर्वेशन है वो सही कब मिलेगी? जब आपकी जाति जनगणना होगी। क्यों उसको अपोज कर रहे हैं मोदी जी? अभी जो हरियाणा में बिखरी हुई कांग्रेस है, क्या लगता है कि 2-4 सीट भी निकाल पाएगी? नहीं, सीटें तो निकलेंगे पर हमारी कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? अब ये मैं नहीं कहता, लेकिन सीटें निकलेंगी इस बार पे, पिछली बार वाला हाल नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से अगर टिकट ठीक दे दिए। लेकिन इसी मुद्दे पर तो सवाल सारा का सारा आकर खड़ा हो रहा है, जो कि आप भी अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं ये जो गुड़गांव जो सीट है ये सबसे टफ सीट है हरियाणा के अंदर, टफस्ट सीट, क्योंकि यहाँ ध्रुवीकरण हो जाता है, और किसी सीट पर ध्रुवीकरण नहीं होता है। फाइनली पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ रहे हैं कैप्टन अजय? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पीछे तो आपने कहा था कि नहीं लड़ रहे हैं, दौरे बंद कर दिए थे, दौरे तो अभी भी मैं जा नहीं रहा, ये मैं एम्बेरस थोड़ा होना चाहता हूँ, मैं गांव में जाऊं किस लिए जाऊं गांव में, क्या कहूंगा आगे, ये भी मैं कैंडिडेट हूं क्या? यानी कि अभी आशंका है कि टिकट हो सकता है, मिलेगी नहीं मिलेगी? मतलब भैया कांग्रेस में और बीजेपी में ये नहीं पता किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। अभी आप सोचिए, जब गडकरी की जो है टिकट पर अगर प्रहार किया जा सकता है, पहले लिस्ट में नहीं आया बीजेपी के अंदर, और हमारे यहाँ भी जो कई नेता हैं जो सोचते थे कि पहले लिस्ट में नाम आएगा उनके नाम नहीं आए हैं, तो आप कांग्रेस और ये हमारी जो पार्टियाँ हैं बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं। कांग्रेस तो छोटी होती जा रही है। कांग्रेस छोटी नहीं है, होती जा रही है, होगी भी नहीं, ये एक फेज होता है अप एंड डाउन का होता है। बीजेपी दो मेम्बरों की पार्टी थी, अब तो कह रहे हैं 400 करेंगे, ये सब ड्रामा है। जैसे यहाँ 75 पार किया था, ऐसे ही वहाँ 400 पार करने की बात कर रहे हैं, इस बार 250 तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पिछली बारी से दुगनी से तिगनी सीट ले सकती है, लेकिन फिर वही सवाल कि एक होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय आनंद जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपको टिकट भी मिले और आप चुनाव मैदान में खड़े हों, कड़ी टक्कर दें और जीत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।